लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा महानगर के 70 वार्डों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रमुख चौराहों और स्थलों पर भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत रामगढ़ ताल स्थित नौकायान केंद्र पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित, राजस्व निरीक्षक नगर प्रदुमन सिंह सहित अन्य BLO व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर तहसीलदार सदर ने उपस्थित लोगों को VVPAT और EVM से मतदान करने की जानकारी दी तथा लोगों के अंदर EVM के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया तथा लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की अपील की और उन्हें शपथ भी दिलाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मतदाताओं व तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित ने कहा, जल्द ही वोट दीजिए, दबाव डालिए, जिसको डाल के देखिए उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आ गया दूसरे को सीखने वोट दिया है, अब इसमें देखिए कि अच्छा चिन्ह आ रहा है, आ गया ना, डालिए जिसको डालना डालिए, देखिए उसी को मिल रहा है कि नहीं, इसमें देखिए पर जिसको डाले हैं उसी को मिल रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए आप कन्फर्म हो गया। ये सेल्फी जोन पर लोग सेल्फी नहीं ले रहे क्या? हरी बत्ती अब जल रही है, अब जल रही है हरी बत्ती। इस JT पॉइंट पर उपस्थित सम्मानित जनता, नादराज के उपलक्ष्य में हम बात करें तो हमारे सम्मानित मतदातागण, जिला प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन इकाई की तरफ से, और वो जो रेड लाइट अगले 7 सेकंड तक उसी कैंडिडेट पर उपस्थित, ये बटन ये रेड लाइट, वो रेड लाइट डॉक्टर संजीव दीक्षित, और उसके बाद यहाँ पे वो जिसको भी आप पुश करेंगे यहाँ पे श्याम गुप्ता साहब, जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ होगा, ठीक है सदर की इकाई से, ये फाइल नेपाल ने अपने 12 को दबाया भाई को, सभी का यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। मतदाता जागरूकता मिशन के आगाज के उपलक्ष्य में आपके भी वो बॉर्डर तो हम बनाए लेते वही साथी लिखनी की उसमें अब यहाँ नहीं डालते, अब आपको यहाँ से दबाएंगे, ये देखिए बिजी है मतलब रेड, और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जाता है, मतलब यहाँ से इन्होंने आपको एक दिया हुआ है कि आप अगला उसको आप वोट देने जाइए, यहाँ वो देखेगा, ये मस्ट है, ये देख ले कि रेडी टू वोट है, फिर अपना वोट उसने रही। दूसरा हमारा उद्देश्य ये करने के बाद वो अपना यहाँ की बगल में लगा रहे हैं, समाज उसको देख लेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, एक तो आप इस मशीन से अवेयर हो, आप वोट जरूर करें, पहली अपील इसलिए आए हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, ये हम लोग किसी दूसरे दल को बोल देते हैं, दूसरे दल को मिल जाता है, तो उसके लिए VVPAT मशीन, मैंने जिसको वोट दिया वो यहीं पे आया, कैंडिडेट को बढ़ाया, जी जी जैसे ही आप अपना वोट कास्ट करेंगे वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे अगले 7 सेकंड, आप अपना वोट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जिस नंबर को वोट किया है, जिस पार्टी को दिया उसको मिला गया, तो कोई भी एक दबाइए और उसको याद रखिए वहाँ पर रेड लाइट एक जले दबाना, यहाँ से ये बटन वहाँ रेड लाइट होगी और यहाँ उसका डिस्प्ले उसमें देखिए, ये अगले 7 सेकंड तक ये पर्ची रहेगी और उसके बाद करके नीचे। ओके थैंक यू। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा
स्वतंत्र अन्य अन्य सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता जय, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अरुण कुमार आर्या से संदेह था, मगर सर ने बताया अपनी सारी व्यवस्थाओं को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रॉड नहीं हो सकते हैं। जो आप वोट करते हैं, वोट कहीं दूसरे पर नहीं जा पाएगा। हमको मन में ये दुविधा था सर कि मतलब जो हम लोग वोट करते हैं, वोट अनलीगल चला जाता है, लोग हैक करते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने सवाल किया सर से, तो उन्होंने उनको संतुष्ट किया है। जी जी सर, वोट किया सर। इसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम जिन्हें वोट दे रहे हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं उसमें कि हम किसको वोट कर रहे हैं, और हम लोग का वोट जो हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है उसी को उसमें जस्टिफाइड किया जा रहा है। मशीनों के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को ईवीएम के बारे में, सोशल मीडिया में या अभी कुछ लड़कों ने हमसे सवाल पूछे और उन्होंने ये कहा कि वोट दूसरे को रजिस्टर हो जाता है, उस बारे में वीवीपैट के माध्यम से और डेमो दिखाकर हम लोगों का ये प्रयास है कि लोगों की भ्रांतियाँ दूर की जाएँ। दूसरा कि मशीनों से लोगों को परिचित कराया जाए। गत चुनाव में देखा गया था कि उपचुनाव में काफ़ी प्रतिशत कम रहा और शहरी इलाकों में भी प्रतिशत काफ़ी कम रहता है, तो इस बार जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारे एसडीएम सदर महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग विभिन्न मोहल्ला सभाओं को आयोजित कर रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को मशीनों से परिचित कराया जाए और उनके मन में जो भी विचार इस तरह के अगर हैं कि मशीन डाउटफुल है या हैक की जा सकती है, उनको हम लोग बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई शक सुबह मन में ना रखें और मतदान करें निर्भीक होकर।